नमस्कार, हम आज मौजूद हैं उत्तराखंड के प्रसिद्ध चार धामों में से एक धाम गंगोत्री धाम में। जी हाँ, माँ गंगा का ये पावन धाम, जैसे कि आप तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं, और आज गंगा सप्तमी भी है, इस वजह से हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं। गंगा माँ के दर्शन करने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे ठीक पीछे गंगोत्री माता का जो धाम है, गंगोत्री जो मंदिर है, मुख्य मंदिर यहाँ पर है, और हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं। हजारों लोग यहाँ पर कतार में यहाँ पर देखें। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर आप दिखाएं किस प्रकार से यहाँ पर लाइन लगी हुई है। लाइन से व्यवस्थित क्रम में यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करते हैं और माँ गंगा से आशीर्वाद यहाँ पर लेते हैं, और देखिए किस तरह से एंजॉय भी यहाँ पर श्रद्धालु कर रहे हैं। कुछ राजस्थान से, महाराष्ट्र, गुजरात से, अलग अलग प्रांतों से यहाँ पर लोग मौजूद हैं। हमारी बहुत सारे लोगों से बात भी हुई थी, तो वो लोग भी, उनका भी ये कहना है कि यहाँ पर इस प्रकार इस समय जो शासन प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद है, और इंजॉय भी यहाँ पर लोग कर रहे हैं, माँ गंगा का आशीर्वाद भी यहाँ पर ले रहे हैं। मौसम भी बहुत हसीन यहाँ पर हो रहा है, और आप देखिए चोटियों में बर्फ भी यहाँ पर आपको दिखेगी ऊपर जो, क्योंकि अभी परसों ही यहाँ पर स्नोफॉल भी यहाँ पर हुआ था, तो उसका भी आनंद यहाँ पर सैलानी ले रहे हैं। ये दूर ऊंची चोटियों में यहाँ पर बर्फ का आनंद भी सैलानी ले रहे हैं, और माँ गंगा का आशीर्वाद भी यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। और चार धाम की जो इस समय की उत्तराखंड की जो यात्रा है, ये निश्चित तौर पर एक नया रिकॉर्ड यहाँ पर बनेगा इस उत्तराखंड की जो चार धाम की यात्रा है इसमें। और उत्तराखंड में ये जो गंगोत्री जो चार धामों में से एक धाम गंगोत्री धाम है, बहुत ही पावन धाम है। यहाँ के जो सचिव हैं उनसे भी हम लोग यहाँ पर वार्तालाप करेंगे कि किस प्रकार की यहाँ पर शासन प्रशासन की किस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। और हमारे साथ मौजूद है जो गंगोत्री धाम के यहाँ पर रावल हैं, जो पुजारी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। पुजारी जी नमस्कार। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि गंगोत्री धाम का जो महात्म्य है, वैसे तो पूरे विश्व लेवल पर ये फेमस है, प्रसिद्ध है चारों धामों में से एक धाम, लेकिन फिर भी हमारे जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, और गंगोत्री धाम के और जो महात्म्य है वो आप कृपया बताने का प्रयास करें। देखिए, गंगोत्री धाम का जो महत्व है, बाबा तुलसी ने कहा है कि कई कई कोटि कथा प्रसंगा, राम विलोक ही गंग तरंगा, यही करोड़ों प्रसंग हैं। सूक्ष्म में मैं आपको बताऊं, भगीरथ तपस्थानम त्रिशलोकेश विस्तृतम इदम भूलोक वैकुंठम मिति जान ही नारदा। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि गंगोत्री क्षेत्र ऐसा क्या है जो यहाँ के लोग देवता भी तरसते हैं, तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि नारद, भगीरथ तपस्थानम, ये राजा भगीरथ की बड़ी कठिन तपस्या है। भगीरथ तपस्थानम त्रिशलोक, तीनों लोकों में ये साक्षात वैकुंठ है, इसलिए यहाँ पे, और कैसी कठिन तपस्या, पंच सहस्राणी पंच वर्ष शतानी का अत्र तपस्तीर्थम जीर्ण पर्ण आश्रम, उन्होंने एक में, और जो देवदार के सूखे पत्ते होते हैं उनका पाषण करके इस क्षेत्र में आए, तो तीनों लोकों में साक्षात वैकुंठ बताया गया है, इसीलिए भी यहाँ देवता लोग तरसते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी श्रद्धालुओं को यह संदेश देना चाहूंगा कि ये गंगोत्री धाम अभी सुरक्षित है, स्वर्ग है, बड़े आनंद से आइए, माँ भगवती गंगा जी का दर्शन करिए। जय गंगा। तो हमारे साथ पुजारी जी से बताया कि यहाँ पर सुरक्षित है, और काफी हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ मैं गौरव डोभाल, कैमरा पर्सन सुभाष चंद्र के साथ गंगोत्री से, उदित राज न्यूज, उत्तराखंड।